सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का ट्रिप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही कम समय में भी बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हम स्कर्ट वेयर कर लेंगे। कनकन स्कर्ट अगर आपके पास है तो वो भी ज़रूर वेयर कर लीजिएगा। कनकन स्कर्ट जो है वो कहीं और ऑनलाइन शॉप पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। इस साड़ी का ये पोर्शन जो है, ये पल्लू का पोर्शन दिया हुआ है और लास्ट की तरफ इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन दिया हुआ है। अगर आपने भी इस साड़ी का ब्लाउज पीस का पोर्शन नहीं निकाला है जो कि एंड वाले की तरफ है, तो आज की ये वीडियो आप देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ड्रेपिंग दिखाई देती है, दो कलर में आपकी ड्रेपिंग आएगी और बहुत खूबसूरत ये लगेगी। अगर आपने निकाला है तो भी कोई बात नहीं, एक कलर में ही सिर्फ हमारा ड्रेप आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिएगा, पल्लू का पोर्शन जो है वो हम लेंगे और यहाँ पर पल्लू का पोर्शन हम सबसे पहले तो सेट कर लेंगे। सो पल्लू का जो पोर्शन है वो हमें अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बना लेना है। नॉर्मली जिस तरीके से आप पल्लू का पोर्शन प्लीट्स वगैरह अरेंज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अरेंज कीजिएगा और कुछ पिन्स वगैरह लगा लेंगे हम इसको और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो पल्लू है उसका फ्लफीनेस यहाँ पर कम हो जाए और अच्छी तरीके से हमारा जो पल्लू का पोर्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे। जितनी अच्छी तरीके से आप पल्लू का पोर्शन सेट करते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरीके से अच्छे से हमें बॉर्डर वगैरह को सेट करना है। ज़्यादा पल्लू का पोर्शन यहाँ पर हमें नहीं रखना है, लेकिन अगर हम जितनी अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपकी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर लगने वाली है। एक क्लीन ड्रेप अगर आप चाहते हैं तो पल्लू का पोर्शन बना लीजिएगा और यहाँ पर इस जो ड्रेप है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और साथ ही साथ किसी किसी फंक्शन के लिए भी अगर आपको ये ड्रेप करना है तो आप इजीली वेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से पल्लू का पोर्शन तो हमने बना लिया है। अभी हम चलेंगे हमारी साड़ी के एंड वाले फैब्रिक की तरफ। सो यहाँ पर देखिएगा, इसका ये कुछ इस तरीके के ब्लाउज पीस का पोर्शन है जो मैंने कहा था कि निकाला नहीं है। सो इसी के साथ हमें स्टार्ट करना है। कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ हम फैब्रिक को लेंगे और इसको इस तरीके से टक इन कर लेंगे। नीचे की तरफ आप देखिएगा, इसको फ्लोर को टच करते हुए हम रखने वाले हैं और इस तरीके से यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी बड़ी साइज़ में यहाँ पर प्लीट्स को हम अरेंज करते हुए जाएंगे, कुछ इस तरीके से। इसको बॉक्स टाइप प्लीट्स हम कहेंगे क्योंकि हम बड़ी साइज़ में थोड़ा यहाँ पर प्लीट्स को अरेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। सो एक जैसे हमारे सारे प्लीट्स यहाँ पर आने चाहिए। ये वाला जो फैब्रिक है अभी इसको लेंगे और इसी तरीके से हमें इसको प्लीट्स में अरेंज करते हुए जाना है और टकिंग करते हुए जाना है। सिर्फ 5-6 प्लीट्स में आपकी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक जैसे हमारे सारे प्लीट्स यहाँ पर अरेंज होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ हम टकिंग करते रहते हैं और नीचे की तरफ हमें समझ में नहीं आता कि लेंथ कम ज़्यादा हुई है। सो यहाँ पर आप मिरर में देखते हुए भी इसको टक कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्लीट्स वगैरह हैं वो एक जैसी दिखाई दे रही हैं या नहीं, नीचे की तरफ आपने अच्छी तरीके से टकिंग किया है या नहीं, यह आपको फिर समझ में आएगा। देखिएगा, इस तरीके से हम इसको टक इन कर लेंगे। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि एक जैसा हमारा यहाँ पर पोर्शन आया है। अब ये वाला जो फैब्रिक है, पल्लू का पोर्शन जो हमने बनाया है, इसको अब हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। ज़्यादा पल्लू हमें नहीं रखना है पीछे से भी और सामने की तरफ राइट साइड की तरफ ये फैब्रिक जो है इसको इसी तरीके से रहना है और ये आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये फैब्रिक जो है तो लेफ़्ट हैंड से अंदर की तरफ इसको इस तरीके से लेंगे और राइट हैंड से पीछे की तरफ, तो यहाँ पर इस तरीके से प्लीट के नीचे, पल्लू के नीचे और राइट हैंड से पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो ये बॉर्डर जो है आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर इस तरीके से आने चाहिए नीचे की तरफ भी। ज़्यादा यहाँ पर नहीं खींचना है ये फैब्रिक, अगर आप ज़्यादा खींचते हैं तो पीछे की तरफ से ये थोड़ा आपको प्लीट्स, आपके जो स्कर्ट वगैरह वेयर की है वो सामने की तरफ से दिखाई दे सकती है, इसलिए ऊपर की तरफ भी ये फैब्रिक इसको ट्विस्ट करते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है पल्लू के प्लीट के नीचे।
और यहाँ पर भी इसको अब हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सो जो बॉर्डर वगैरह है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर आई है। और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी आप देखिएगा, बीच में हमारा पोर्शन जो है वो अलग कलर में दोनों तरफ से दो कलर आए हैं, रेड कलर पिंक कलर इस तरीके से। सो ये बहुत खूबसूरत लगता है। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ब्लाउज़ पीस हमारा इसी कलर का होता है अलग तरीके का। सो इसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लगता है ये ड्रेप। एक तरफ हमारी बॉर्डर जाती है जो कि लेफ्ट शोल्डर से हमारे राइट पैर की तरफ जा रही है, एक तरफ से हमारे प्लीट्स आ रहे हैं, जिसके चलते ये ड्रेप जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ज़्यादा वक्त भी इसको नहीं लगता, 5-6 प्लीट में आपकी कमर का पूरा पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब हमने प्लीट्स अभी टकिंग किए हैं तो इसको चारों तरफ आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, जिसके चलते आपको अगर लगता है कि ड्रेप हमारी प्लीट्स वगैरह निकल सकते हैं तो निकलने का डर नहीं रहेगा। और यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह वेयर करने के बाद हमारा जो लुक है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो फाइनल जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर अरेंज हुई है और एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा लुक हमारा यहाँ पर आया है। पीछे से भी देखिएगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस टाइप की वीडियोज़ आपको देखना पसंद है, सो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।